हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिंदू मिताक्षरा सब स्कूल एंड दयाभागा स्कूल। मिताक्षरा एवं दयाभागा शाखा में सैद्धांतिक रूप से दो विषयों पर अंतर पाया जाता है। इन द हिंदू लॉ वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिताक्षरा स्कूल एंड दयाभागा स्कूल मेनली ऑन द टू बेसिस। फर्स्ट, उत्तराधिकार के संबंध में, इन फर्स्ट इन द मैनर ऑफ सक्सेशन, सेकंड इन द मैनर ऑफ कोपार्शनरीज यानी कि सहदायगी के संबंध में। पहला, उत्तराधिकार के संबंध में मींस इन द मैटर ऑफ सक्सेशन। मिताक्षरा शाखा में उत्तराधिकार का सिद्धांत रक्त द्वारा नातेदारी पर आधारित है, जबकि दयाभागा शाखा में आध्यात्मिक या धार्मिक लाभ पर। इन द मिताक्षरा स्कूल द सक्सेशन इज बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशनशिप, वाइल इन द दयाभागा स्कूल इट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन। मिताक्षरा शाखा में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार रक्त द्वारा नातेदार उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करता है। इन द मिताक्षरा स्कूल द पर्सन हु इज रिलेटेड बाय ब्लड कैन गेट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज। यह सिद्धांत पूर्णतः लौकिक है तथा वर्तमान हिंदू उत्तराधिकार विधि का भी यही मूलभूत सिद्धांत है। इट इज मोर एक्सेप्टेबल एंड नाउ इट इज फॉलोइंग इन द सक्सेशन ऑफ द हिंदू प्रॉपर्टी। इसमें रक्त संबंधी की निकटता उसके दूरस्थ संबंधों की उपेक्षा करती है। इन दिस द पर्सन हु इज क्लोज टू द क्लोज इन रिलेशन टू द डिजीज विल गेट द प्रॉपर्टी soon as compared to the person who is not related to the diseased as the close। इस शाखा में उत्तराधिकार के मुख्यतः दो नियम हैं। In this there are two reasons of succession। पहला, उत्तराधिकार में स्त्रियों का अपवर्जन means that the girl will not get the property of the diseased। दूसरा, गोत्रज। Second, गोत्रज उदाहरणार्थ यानी कि उदाहरण, यदि कोई हिंदू व्यक्ति अपने पीछे पुत्र एवं पुत्री छोड़कर मरता है तो प्रथम नियम के अनुसार संपूर्ण संपत्ति पुत्र को मिलेगी और पुत्री को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वह स्त्री होने से अपवर्जित है। एज अ पर्सन डाइड आफ्टर लिविंग अ सन एंड अ डॉटर देन द होल प्रॉपर्टी विल गोज टू द हिज सन एंड द डॉटर विल नॉट गेट एनीथिंग इन द प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज नॉट अलाउड इन दिस। इसी प्रकार यदि कोई हिंदू व्यक्ति एक पुत्र एवं दोता छोड़कर मरता है तो द्वितीय नियम के अनुसार संपूर्ण संपत्ति पुत्र को मिलेगी और दोते को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वह बंधु है जबकि पुत्र गोत्रज है। According to the second rule, if a person died after leaving a grandson and grandson, then the whole property will goes to the grandson and not to the grandson, according to the second rule. इन्हीं नियम के कारण मिताक्षरा की उत्तराधिकार विधि प्रतिक्रियावादी विधि कहलाती है। That's why it is called as reactionable law. आध्यात्मिक या धार्मिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकारी ऐसा व्यक्ति होता है जो अनुष्ठान आदि के द्वारा मृतक व्यक्ति की आत्मा को अधिक से अधिक शांति एवं लाभ पहुंचाता है। इट मीन्स द पर्सन हु डू द पिंडदान ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड विल गेट मोर चांसेस टू गेट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिजीज। कि इसमें दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति पिंडदान द्वारा मृतक की आत्मा को अधिकतम शांति प्रदान करता है वही उस मृतक की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का हकदार होता है। इस प्रकार दयाभागा शाखा की उत्तराधिकार विधि लौकिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होकर आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। That's why the succession in the Dayabhaga school is not based on the blood relationship and based on the
रिलीजन बेसिस। यह विधि उदार है इसलिए कि उसमें कुछ स्त्रियों एवं बंधु भी उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इट इज समथिंग डिफरेंट बिकॉज इन दिस फीमेल एंड ऑल्सो द रिलेटिव्स कैन गेट द प्रॉपर्टी। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हो जाने से अब यह अंतर समाप्त हो गया है। बट आफ्टर द पासिंग ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेशन इज नाउ गेट एंडेड। दूसरा, संयुक्त कुटुंब एवं सहदायिकी के संबंध में। सेकंड, इन द मैटर ऑफ द कोपार्शनरीज। मिताक्षरा शाखा में संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में पुत्र पोत्र एवं प्रपोत्र के जन्मतः अधिकार के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। इन द मिताक्षरा स्कूल द सक्सेशन इज बेस्ड ऑन द सक्सेशन इज अराइज्ड व्हेन द सन ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन टेक्स बर्थ। इसके अनुसार पुत्र पोत्र एवं प्रपोत्र जन्म के साथ ही संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में अपना हक अर्जित कर लेते हैं। इन दिस स्कूल द सन ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन विल बिकम द को पार्टनर एज ही बोर्न। वे अपने हित अथवा हक को विभाजित करा सकते हैं। दे कैन गेट देयर प्रॉपर्टी। इसमें पुत्र पिता के साथ संपत्ति का सह स्वामी होता है। इन दिस द सन इज को पार्टनर विद हिज फादर। यह एक विलक्षण व्यवस्था है जो अन्यथा कहीं नहीं मिलती है। इट इज टोटली डिफरेंट एंड इट विल नॉट गेट एनीवेयर। यानी कि ये जो तरीका है यह कहीं और नहीं मिलता है। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा सिद्धांत है द सेकंड। देयर इज अ सेकंड प्रिंसिपल विच इज रिलेटेड टू इट दैट उत्तर जो कि उत्तरजीविता का सिद्धांत है। मींस लिविंग कि जो व्यक्ति जीवित है उसे वह प्रॉपर्टी मिलेगी। यह इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त कुटुंब की संपदा का न्यागमन उत्तराधिकार द्वारा नहीं अपितु उत्तर जीविता द्वारा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द प्रॉपर्टी ऑफ को पार्टनर्स इज नॉट डिवाइडेड बाय द को पार्टनर्स बट डिवाइडेड बाय द सर्वाइवरशिप। मीन्स दैट द पर्सन हु इज सर्वाइव विल गेट द प्रॉपर्टी। उदाहरणार्थ किसी सहदायिकी को पार्टनर की मृत्यु पर संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में उसका हित अन्य जीवित सहदायिकों को उत्तराधिकार उत्तर जीविता के रूप में न्यागत होता है। मीन्स एज अ व्हेन समवन डाइज देन हिज प्रॉपर्टी विल गोज टू द अदर हिज को पार्टनर्स विच आर लिविंग। जबकि दयाभागा शाखा में इन दोनों ही सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई है। एंड एज इन द रिलेशन टू द एज वी कंपेयर टू द दयाभागा स्कूल देन द बोथ द प्रिंसिपल्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन द दयाभागा स्कूल। दयाभागा शाखा में पिता के जीवन काल में पुत्र को किसी भी संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। एज इन द दयाभागा स्कूल until the father is survived the son will not get anything in the property। इसमें किसी भी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी संपूर्ण संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है। इन दिस द होल प्रॉपर्टी विल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हायर्स ऑफ द डिजीज्ड। यानी कि जो कि उसके उत्तराधिकारी हैं उन सबको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दोनों शाखाओं में सहदायिकी को मान्यता प्राप्त की गई है लेकिन दोनों में अंतर है। इट इज रिटन इट इज नोट वर्दी हेयर दैट इन बोथ द स्कूल्स द को पार्टनर्स हैव द राइट बट देयर इज अ डिफरेंस। मिताक्षरा शाखा में पुत्र के जन्म के साथ ही सहदायिकी का प्रादुर्भाव हो जाता है। इन द मिताक्षरा स्कूल व्हेन द सन बोर्न देन ही बिकम द को पार्टनर। जबकि दयाभागा शाखा में सहदायिकी का उद्भव पिता की मृत्यु के पश्चात होता है जब पिता की संपत्ति पुत्रों को उत्तराधिकार में मिलती है। बट इन द दयाभागा स्कूल द सिचुएशन इज डिफरेंट एंड द सन बिकम्स अ को पार्टनर व्हेन द फादर गेट डाइड्स एंड देन द प्रॉपर्टी विल गोज टू ऑल हिज सन्स। ऐसी स्थिति में पुत्र एक दूसरे के सहदायिकी होते हैं और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उनकी सहदायिकी संपत्ति होती है। एंड इन दिस सिचुएशन द सन्स आर को पार्टनर्स ऑफ ईच अदर
एंड दे विल गेट द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कोपार्शनरी रूल। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत संयुक्त कुटुंब की संपत्ति के सिद्धांत से अभिप्राय है कि ऐसी संपत्ति में सभी से अदायगी का एक रूप स्वामित्व होना। मीन्स इन द मिताक्षरा स्कूल द कोपार्शनरी रूल अप्लाइज दैट ऑल हैव द सेम राइट्स। विभाजन से पूर्व कोई भी सहदायिक यह नहीं कह सकता कि संपत्ति के अमुक भाग का वह स्वामी या भागीदार है। इन द मिताक्षरा स्कूल नो वन कैन से दैट ही इज द फुली होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी और फुली ही हैज द फुल राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी। कुटुंब में किसी व्यक्ति के जन्म लेने पर सहदायगी के अंश हित में कमी आ जाती है और किसी के मर जाने पर अंश हित में वृद्धि हो जाती है। इन दिस द शेयर्स ऑफ द पर्सन गेट राइज व्हेन समवन डाइड एंड गेट लो व्हेन समवन गेट बोर्न। लेकिन दयाभागा शाखा में ऐसा नहीं होता है। वेरियस इट इज नॉट फाइंड इन द दयाभागा स्कूल। इसमें प्रत्येक सहदायगी का अंश हित उत्तराधिकार के समय ही निश्चित होता है। इन दिस द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन दे विल गेट द राइट टू बिकम द कोपार्शनर दैट इज ऑन द डेथ ऑफ द फादर। फिर मिताक्षरा शाखा में सामान्यतः कोई भी सहदायगी संयुक्त कुटुंब की संपदा का अन्य संक्रमण नहीं कर सकता है। इन दिस इट इज सेड दैट इन द मिताक्षरा स्कूल नो वन कैन गेट द फुल प्रॉपर्टी। जबकि दयाभागा शाखा में ऐसा नहीं है। वाइल इट इज नॉट प्रेजेंट इन द दयाभागा स्कूल। इसमें सहदायगी जब चाहे अपने हित का असंक्रमण कर सकता है। इन दिस द कोपार्शनर कैन अप्लाई फॉर हिज राइट इन द सक्सेशन। थैंक यू।